इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रतन लाल हांगुल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को एक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑडियो जारी कर एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने सनसनी फैला दी। उनका आरोप है कि इस ऑडियो में महिला से बात करने वाले पुरुष ईवीवी के कुलपति प्रोफेसर रतन लाल हांगुल हैं। हालांकि कुलपति ने इस बात से इनकार किया है कि रोहित की ओर से जारी ऑडियो में उनकी कोई आवाज नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग 33 मिनट 20 सेकंड की है। रोहित का दावा है कि ऑडियो पूरी तरह से सही है। इस ऑडियो के आधार पर रोहित ने मांग की है कि इसकी जांच कराई जाए और कुलपति तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे। उधर ईवीवी के कुलपति प्रोफेसर रतन लाल हांगुल का कहना है कि इस ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है। तकनीकी के इस दौर में कोई भी ऐसा आसानी से कर सकता है। कुलपति ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं ईवीवी के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर चित रंजन कुमार सिंह ने रोहित मिश्र के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि हमें इस पूरे षड्यंत्र को समझना होगा। इसमें वही लोग हैं जो पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय के माहौल को अशांत करना चाहते हैं। पीआरओ का कहना है कि कुछ दिनों पहले इन्होंने कुलपति के नाम से फर्जी व्हाट्सएप चैट जारी किया था। ऐसे लोग विश्वविद्यालय के वातावरण का अशांत करना चाहते हैं, कुलपति को दबाव में लाना चाहते हैं। ईवीवी के पीआरओ ने ऑडियो पर जारी किया स्पष्टीकरण। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री रोहित मिश्रा की ओर से जारी ऑडियो ट्यूब को लेकर ईवीवी के पीआरओ डॉक्टर चित्रंजन कुमार सिंह ने स्पष्टीकरण जारी किया है। डॉक्टर चित्रंजन के मुताबिक जिस ऑडियो टेप को सनसनी बनाकर रोहित मिश्रा ने मीडिया के सामने प्रस्तुत किया है, इस ऑडियो टेप में सामान्य और दोस्ताना बातचीत के अलावा कुछ भी ऐसा अश्लील नहीं है जिससे विश्वविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचे। हमें इसमें कुलपति की आवाज की पुष्टि नहीं करते। हम इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते। वैसे भी इस बातचीत में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। इस बातचीत में दोनों की परस्पर सहमति दिख रही है। आखिर इस बातचीत में ऐसा क्या है? बातचीत करने वाली महिला पुरुष से पूछ रही है कि आप कैसे हैं? क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? क्या आप चेस खेलते हैं? पुरुष स्वर ने महिला से यह पूछा कि दिल्ली में ठंड कितनी है। महिला ने 3 बार पुरुष से यह कहा कि मैं आपको अपना हीरो मानती हूँ, आप पर मरती हूँ। उसने अंग्रेजी में भी कहा है, नेचुरली यू आर माई हीरो, यू आर डेफिनेटली माई हीरो। बातचीत के कई हिस्से सामान्य बहुत घरेली हूँ। इसमें महिला कह रही है कि मैंने आज रात को रोटी दाल सब्जी और रायता खाया है। मैं अच्छा खाना बनाना जानती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से दही जमा लेती हूँ। महिला बात करने वाले पुरुष से यह बात भी कह रही है कि नीलाब के जाने के बाद मुझे जीवन में बहुत अकेलापन लग रहा था, कमी महसूस हो रही थी। मैं जीवन से निराश होकर मर जाना चाहती थी, अर्थात महिला आत्महत्या के कागार पर थी। पुरुष स्वर ने उससे कहा कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, बस अपने काम में लगे रहो। महिला यह भी कह रही है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ बदला है। महिला ने बात करने वाले व्यक्ति से कहा कि मुझे आप में कोई जरूर बात लगती है। महिला ने 3 बार बात करने वाले व्यक्ति को यह भी कहा है कि आप बहुत खूबसूरत है। यह बात उसने 3 बार कही है। जिस आवाज को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति की आवाज बताया जा रहा है, हम उसकी जांच की मांग करते हैं। इस बात में पुरुष स्वर ने बस इतना कहा कि मैं परसों दिल्ली आऊंगा, तुमसे मिलूंगा। किसी के घर जाके मिलने में कुछ भी अश्लील या गोपनीय नहीं है। महिला उनकी अगवानी के लिए खुशी खुशी तैयार है, बस साफ कहती है कि मैं आपके लिए गाड़ी भेज दूंगी, अगर आप आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वह बात कर रहे व्यक्ति से 2 बार कहती है कि आप आ जाइए, फिर कहती है कि मेरे घर पर बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, जिसमें वह मुंबई की कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बताती है पर उनका नाम नहीं लेती है। बातचीत में महिला कई बार हंसती है, अर्थात वह भय या किसी दबाव में नहीं है। वह कहती है कि मीरा स्मृति पुरस्कार लेने इलाहाबाद आई थी, जहां मुझे आप मिल गए। उसने यह भी कहा कि आपके हाथ से पुरस्कार लेकर मैंने अपने आप को सम्मानित महसूस किया है, अगर आप मेरे घर में आएंगे तो मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। महिला इस पूरी बातचीत से कई बार मृत्यु, अकेलेपन और निराश की बात करती है, जिस पर बात कर रहे व्यक्ति ने कई बार कहा है अपने काम में लगे रहो, मरना तो सबको एक दिन ही है। वह उसे पढ़ने और आगे बढ़ने के बारे में कई बार बोलते हैं। ऑडियो जारी करने वाले एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री रोहित कुमार मिश्रा ने एसएससी को पत्र लिखकर ईवीवी के कुलपति प्रोफेसर रतन लाल हांगुल, उनके पूर्व ओसीडी अमित सिंह और चीफ प्रोटेक्टर प्रोफेसर राम सेवक दुबे से खुद को जान का खतरा बताया है, साथ ही सुरक्षा की मांग की है। रोहित का कहना है कि उन्होंने कुलपति के खिलाफ ऑडियो जारी किया है, उनके पूर्व एसडी के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा रखा है। रोहित का कहना है कि अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो उसके लिए तीनों जिम्मेदार होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के अध्यक्ष एवं चीफ प्रोटेक्टर प्रोफेसर राम सेवक दुबे ने ऑडियो वायरल किए जाने के मामले की सीबीआई की जांच की है, साथ ही कहा है कि जांच एक निर्धारित समय में हो, तब तक कुलपति को अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। अर्थ 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट तानिया सिंह।